श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा सूरत कलेक्टर ने आवेदन पत्र आपी। गुजरात ना गृहमंत्री द्वारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अने गुजरात अध्यक्ष ने आर्थिक रीते तोड़वा माटे राजकीय किन्नाखोरी राखी पोलिस तेमज सरकारी तंत्र नो थई रहेल दुरुपयोग बंद करवानी मांग साथे आवेदन पत्र आपीने रजूआत कराई हती। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा सूरत कलेक्टर ने अपायेल आवेदन पत्र में जणाव्युं हतुं के गुजरात सरकार ना गृहमंत्री द्वारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अने गुजरात अध्यक्ष राज शेखावत ने आर्थिक रीते तोड़वा राजकीय किन्नाखोरी राखी पोलिस तेमज सरकारी तंत्र नो थई रहेल दुरुपयोग बंद करवामां आवे तेवी मांग कराई हती अने दो राज शेखावत सामेनी हैरानगति बंद नहीं थाय तो गुजरात ना युवानोनो गुजरात सरकार परथी विश्वास उठी जशे અને ના છૂટકે ગુજરાતના યુવાનોએ ગૃહમંત્રી સામે ગુજરાત વ્યાપી આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે તેવી પણ ચીમકી ઉચ્ચારાઈ હતી। ગુજરાતના ગૃહમંત્રી વિરુદ્ધ આવેદન પત્ર આપવા શ્રી રાષ્ટ્રીય રાજપૂત ગણી સેનાના મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો પણ જોડાયા હતા। પ્રતાપસિંહ દૈયા દક્ષિણ ગુજરાત અધ્યક્ષ રજૂઆત સાહેબ એસી કે અમારે જો રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ રાજ શેખાવતજી હૈ ઉનકી રેડ ફોક્સ સિક્યુરિટી કંપની ચલતી હૈ वर्तमान सरकार के द्वारा उनको बिना वजह परेशान किया जा रहा है और बिना वजह और उनकी सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस आए जा रहे हैं। जबकि मैं बताना चाहूँगा कि राज शेखावत पिछले लंबे समय से इस देश की जनता के लिए में लगे हुए हैं। इस कोविड की महामारी के अंदर उन्हें लाखों लोगों को भोजन दिया है। इस कोविड की महामारी के अंदर उन्होंने अपनी होटल तक फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड-19 के लिए दे दी गई है और करणी सेना का पूरा परिवार पूरे भारतवर्ष के अंदर कोविड-19 के अंतर्गत लोगों की सेवा में लगा हुआ है। जबकि वर्तमान सरकार को ये पसंद नहीं आ रहा है। वर्तमान सरकार चाह रही है कि राज शेखावत को आर्थिक रूप से तोड़ा जाए। इसके लिए उन्होंने जो उनकी रेड फॉक्स कंपनी है उनका लाइसेंस हट जाए निरस्त हो जाए उसके लिए कहीं ना कहीं बाने ढूंढ रही है। जबकि मैं बोलना चाहूँगा कि उस कंपनी के अंदर 2500 से 3000 लोग कार्य कर रहे हैं और भारत सरकार बोलती है आत्मनिर्भर बनो। जब राज शेखावत जी आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं और आत्मनिर्भर लोगों को बना रहे हैं और इस बेरोजगारी के अंदर लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो वो भारत सरकार को साथ पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहूँगा और आज हम कलेक्टर साहब के थ्रू राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि साहब ये जो गंदी राजनीति कहीं कहीं खेली जा रही है जो षड्यंत्र खेला जा रहा है वो ना करें। रिपोर्ट SNI न्यूज़ सूरत।